हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संगीता से रेसिपी में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को चना दाल की कढ़ी बनाकर दिखाने जा रही हूँ। मैंने एक कटोरा चना ले रखी है। इस एक कटोरे चना को मैंने रात भर पानी में भिगो दिया है और फुला कर रखी हूँ। इस चने को मैं फुलाती हूँ और इसे मैं मिक्सी में पीसने जा रही हूँ। इसके साथ साथ जो ऐड करना है वो मसाला मैं दिख नवरात्रा में सेंधा नमक खाना है, इसलिए सेंधा नमक प्लस जीरा छौंक के लिए। और जो मैं चना दाल पीसूंगी उसमें थोड़ा सा मिर्ची, हल्दी और गुलकी प्लस जीरा थोड़ा थोड़ा मात्रा में दूंगी, जिससे सब्जी का फ्लेवर जैसा आएगा और खाने में पकौड़ी टेस्टी लगेगा। मैं चना दाल को मिक्सी में पीस रही हूँ। जैसा कि देख रहे हैं, मैंने कुछ थोड़ा सा मोटा पीस रखा है। और कढ़ी बनाने के लिए दही एक कटोरी ली हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा चना में दही को ऐड करूँगी, जो जिससे मैं दाल बनाऊँगी ये इसका तो बड़ा बनेगा, पकौड़ी बन जाएगा। और जिसका दाल बनाऊँगी वो चना को मैं थोड़ा महीन पीस लूँगी। कढ़ी बनाने के लिए दही का ज़रूरत पड़ता है। ये पेस्ट मैं पतला कर ली हूँ, देखिए इसमें मैं दही ज़रूरत के अनुसार डालूँगी। ज़्यादा खट्टा दही है तो कम डालिए। इस पेस्ट में थोड़ी सी मिर्ची, हल्दी पाउडर दो चीज़ डालना है। हल्दी पाउडर और हल्की मिर्ची प्लस नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छा तरह से पीट लेना है। दही, नमक, हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। पानी इतना देना है कि ये गाढ़ा ना हो ज़्यादा। और इसे आँच पर जब मैं चढ़ाऊँगी तो ये अपने आप गाढ़ा होने लगेगा, इसलिए पानी की क्वांटिटी ज़्यादा देना। इधर पकौड़ी वाला पेस्ट में स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, गुलकी और मिर्चा दे के मिक्स करना है। देखिए अच्छा तरह से मिला दी हूँ। अब मैं गैस में कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। हमने कढ़ाई चढ़ा रखा है और कढ़ाई भी गर्म हो गया है। और दूसरी तरफ मैं उस पेस्ट को खोला रही हूँ कि गाढ़ा हो जाए। इसे बार बार चलाते रहना चाहिए, इसलिए बार बार चलाना चाहिए कि इसमें दही और बेसन फटे ना। देखिए कितना सुंदर गाढ़ा है।
फट जाता है तो अच्छा देखने में नहीं लगता है। अब मैं इसमें पकौड़ी तल रही हूँ। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। इधर मैं कटोरी तल रही हूँ और इधर गाढ़ा हो गया है। ये पूरा तरह से तैयार है। अब इसमें मैं कटोरी डालूंगी। नवरात्रा में इस तरह का कढ़ी बनाकर चावल कढ़ी खा सकते हैं। हमारा पकौड़ी तैयार हो रहा है, लाल हो रहा है। इस तरह से कढ़ी बनाकर चावल कढ़ी खा सकते हैं। पकौड़ी तैयार है। इस पकौड़ी को मैं इसमें डाल रही हूँ और 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी। मैंने पकौड़ी को लाल करके इसलिए फ्राई किया है कि ये गले ना और खूब सुंदर इसमें रस जो है पिस जाएगा। हमारा कढ़ी इस तरह तैयार हो गया है। छोंक की तैयारी की हूँ। छोटा सा फ्राई पैन में शुद्ध घी डाली हुई हूँ और इसमें जीरा डाल रही हूँ। दो चार तेज पत्ता, मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। इधर मेरा कढ़ी तैयार हो गया है। कढ़ी हमारा तैयार है। आप इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल की भी साथ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और सुंदर दिख रहा है। आप सबको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।